हेलो दोस्तों, हमारे चैनल डिफरेंट माइंड टेक में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको अपनी कार की सर्विसिंग की वीडियो दिखाने वाला हूं और क्या क्या सर्विसिंग में स्टेप होते हैं ये सब मैं दिखाऊंगा। तो मैं दुकान से ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, डीजल फिल्टर ये सब मैंने खरीद लिया है और जो ऑयल लगेगा, गियर ऑयल लगेगा, हर चीज़ अब देख सकते हैं कि ये मेरी गाड़ी का इंजन ऑयल निकल रहा है। शाम का वक्त है इसलिए थोड़ा रोशनी कम है। तो इंजन ऑयल 5 लीटर लगता है और मेरी गाड़ी लगभग इस बार सर्विसिंग के बाद 14-15 हज़ार किलोमीटर चल गई, जिस वजह से इंजन ऑयल कम निकला, लगभग 2 लीटर कम निकला। और इसमें एयर फिल्टर की भी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। और ये जो एयर फिल्टर मैंने लगाया था पहले, तो एक बार उसमें इंजन पानी चले जाने के कारण वो एयर फिल्टर भी ख़राब हो गया था। कस्ट्रॉल का मैंने ऑल टोटल चीज़ इस्तेमाल किया है, तो इसमें से जो मैंने एयर फिल्टर लिया लगभग मेरे को पड़ा है वो 300 रुपये का, और डीजल फिल्टर 150 रुपये का। और देखा जाए तो जो हमारा मेन सबसे ज़रूरी इंजन ऑयल होता है, 1700 रुपये का मेरे को 5 लीटर का पड़ा है, कस्ट्रॉल टर्बो मैक्स है, क्योंकि मेरी गाड़ी डीजल है। तो इसमें मैं यही ऑयल डलवाता हूँ, जिससे मेरी गाड़ी के जो इंजन का लाइफ है वो और भी अच्छा रहेगा, प्लस इसमें से मेरी गाड़ी का इंजन भी स्मूथ चलता है। कस्ट्रॉल का ही मैंने ट्रांसमिशन ऑयल लिया है, जो मेरे को लगभग एक डिब्बे का प्राइस है 1 लीटर का, 260 रुपये। तो इस सर्विस में मेरे को टोटल खर्चा अगर जोड़ा जाए तो मेरे को ज़्यादा खर्चा आया नहीं है, 3 हज़ार के करीब आया है। लेबर चार्ज 200 रुपये सर्विसिंग का लिए हैं, जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। और ये हर जगह का जो प्राइस होता है ये अलग अलग हो सकता है, कौन सा मिस्त्री कितना पैसा लेता है, क्योंकि उन सब के कार्य करने का तरीका अलग होता है। तो कोई कोई सर्विसिंग के नाम पे बहुत सारा कार्य करते हैं गाड़ी में और उसका उनका पैसा बनता है। तो आप देख सकते हैं अब ये ऑयल फिल्टर लगा रहा है मिस्त्री। तो ऑयल फिल्टर में थोड़ा ये ऑयल डालते हैं ताकि इसमें चिकनाई बनी रहे, इसकी ऑयल रिंग ना ख़राब हो कि वहाँ से फिर ऑयल लीक करे। तो मेरी गाड़ी का आप देख रहे हैं इंजन बहुत ज़्यादा ही गंदा है। तो इसको फिर इन्होंने लास्ट में, मैं इसकी वीडियो तो नहीं बना पाया, लास्ट में इन्होंने डीजल वॉश किया था और प्रेशर वॉश भी किया था, तो गाड़ी का इंजन सही हो गया फिर एक नंबर का। तो इसमें मेरी गाड़ी और अच्छे से फिर रनिंग करेगी, लगभग 10 हज़ार किलोमीटर आप एक सर्विसिंग के बाद किसी भी गाड़ी को आप चला सकते हैं। और आपको ज़्यादा फिर उसमें कुछ कमी समझ में आए तो लगभग आप 6 से 7 हज़ार या कितना भी चला सकते हैं, 6 से 7 हज़ार किलोमीटर, और अधिकतम आप 10 हज़ार किलोमीटर ही चलाइए। मैं लगभग इसको इस बार 15 हज़ार किलोमीटर के करीब चलाया, तो इसीलिए मेरी गाड़ी का थोड़ा इंजन ऑयल ज़्यादा गंदा हो गया था और उसमें एक कमी भी आ गई थी। 5 लीटर इंजन ऑयल लगता है तो उसमें मात्र 3 लीटर ही निकला, अब एक गियर ऑयल निकल चुका है। तो गियर ऑयल मेरे में जबकि गाड़ी थी तब का गियर ऑयल है, लगभग 1 साल, 1 लाख किलोमीटर मेरी गाड़ी चल चुकी है। तो मैं अब इसका गियर ऑयल डलवा रहा हूँ, 3 लीटर पड़ता है गियर ऑयल, 5 लीटर पड़ता है इंजन ऑयल, और ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, डीजल फिल्टर। इसके अलावा मैंने गाड़ी में कुछ भी अदर काम नहीं करवाए, क्योंकि मेरी गाड़ी सही चल रही है, ना उसमें किसी चीज़ में ब्रेक में प्रॉब्लम है, ना ब्रेक शू, ना कोई कुछ बेल्ट आवाज कर रहा है। नेक्स्ट सर्विस में लगभग 1,10,000 में जब मैं इसकी सर्विस करवाऊंगा, तो उसमें इसका टाइमिंग बेल्ट, टाइमिंग चेंज, जो जो भी रिक्वायरमेंट होगी चेंज करने की, जो इनको मिस्त्री को समझ में आएगा, लगेगा कि ये चीज़ ख़राब है, वो सब मैं चेंज करवा दूंगा। प्राइस भी मैंने आपको बता दिया, गाड़ी मेरी अब स्टार्ट है, 1 नंबर चल रही है। धन्यवाद।